हाथ जोड़ लें और जैसे बंते जी कहेंगे जैसा आप दोहराएंगे, सभी लोग हाथ जोड़ लें। सभी उपासक उपासिकाओं से अनुरोध है आप हाथ जोड़ लें और बंते जी कहेंगे आप उसे दोहराएंगे। यमहं वदामि तं वदेथ आम बंते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तिसरणागमनं परिपूर्णं साधु 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 पाणाति पाता वेदमणि शिक्षापदं समादयामि पाणाति
जाति पाता वीरमणी सिखा पदं समादियामि अदिन्नादाना वीरमणी सिखा पदं समादियामि अदिन्नादाना वीरमणी सिखा पदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणी सिखा पदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणी सिखा पदं समादियामि मुसावादा वीरमणी सिखा पदं समादियामि मुसावादा वीरमणी सिखा पदं समादियामि सुरामेरय मद्यपमादट्ठाना वीरमणी सिखा पदं समादियामि सुरामेरय मद्यपमादट्ठाना वीरमणी सिखा पदं समादियामि त्रिशरणेन सद्यं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन शीलं संपादेत साधु 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 इन दोनों का अभिवादन करेंगे इनका स्वागत करेंगे आइए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें प्रयत्न की महिमा से उपस्थित प्रयत्न की महिमा से उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं डॉक्टर राजीव समाज को साक्षी मानकर मैं डॉक्टर राजीव रेशम को अपनी पत्नी स्वीकारते हुए रेशमी को अपनी पत्नी स्वीकारते हुए पांच प्रतिज्ञाएं करता हूँ मैं मन वाणी और आचरण से अपनी पत्नी का सदा सम्मान करूंगा और दूसरों से भी सम्मान दिलवाऊंगा अपनी पत्नी का सदा सम्मान करूंगा और दूसरों से भी सम्मान दिलाऊंगा मैं मन वाणी और कर्म से अपनी पत्नी का अपमान नहीं करूंगा और न उसे किसी अन्य द्वारा अपमानित होने दूंगा अपनी पत्नी का अपमान नहीं करूंगा और न उसे अन्य किसी से अपमानित होने दूंगा मैं मन वाणी और आचरण से मिथ्याचार कामाचार शराब आदि मादक पदार्थों के सेवन जुआ खेलने आदि दुर्व्यसनों से विरत रहूंगा अर्थात पंचशील का अनिवार्य रूप से पालन करूंगा मैं सम्यक रीति से धन कमाऊंगा और अपने माता पिता कुटुंबजनों और संबंधियों का पूर्ण ध्यान रखते हुए अर्जित आय से अपनी पत्नी को सदा संतुष्ट रखूंगा मैं अपने शुद्ध आचरण और मधुर व्यवहार से अपनी पत्नी को पूर्ण रूप से सदा प्रसन्न रखूंगा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से लेकर जीवन भर इन पांच प्रतिज्ञाओं के अनुसार मन वाणी और कर्म से बिना लापरवाही के आचरण करूंगा तथा समतामूलक समाज की स्थापना के लिए तत्पर रहूंगा कुलदीपक डॉक्टर राजीव रत्न द्वारा ये प्रतिज्ञाएं ग्रहण की गई और अब पांच वचन कन्या के लिए अशोक जी से अनुरोध है कि आप कृपया कुदीपिका आयुष्मती रेशमी द्वारा पांच वचन संकल्पित करवाएं त्रिरत्न की महिमा से उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं रेशमी श्री राजीव को अपना पति स्वीकार करते हुए पांच प्रतिज्ञाएं करती हूँ मैं अपने घर का सभी कार्य भली प्रकार संपन्न करूंगी मैं अपने सदाचार एवं व्यवहार से अपने सभी परिजनों
अपने सभी परिजनों एवं संबंधियों को प्रसन्न एवं संगठित रखूंगी मैं मन वचन और कर्म से अपने आप को मिथ्याचार व कामाचार से विरत रखते हुए अपने मधुर व्यवहार से अपने पति का विश्वास पात्र बनूंगी मैं अपने परिवार एवं पति के सभी संपत्ति की समुचित रूप से रक्षा करूंगी मैं अपने घर के सभी कामकाज बिना आलस्य के ठीक समय पर कुशलता पूर्वक करूंगी मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज से लेकर जीवन भर इन पांच प्रतिज्ञाओं के अनुसार मन वाणी एवं कर्म से बिना लापरवाही के आचरण करूंगी और पंचशील का पालन करते हुए समतामूलक समाज की स्थापना हेतु तत्पर रहूंगी साधु 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 इन पवित्र वचनों को धारण करने के साथ ही आरंभ होती है। मैं अनुरोध कर रही हूँ रश्मि जी से कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। इस सुंदर युगल के नवजीवन के शाश्वत मूल्यों की से ही प्रेम का संचरण होने लगता है हृदयों में और शायद इसीलिए हम फूलों के हार से अपने अपनों का स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं और अपना स्नेह समर्पित करते हैं। जयमाल की रस्म। राजीव जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और अब बारी है डॉक्टर राजीव की। डॉक्टर राजीव रेशमी के गले में ये जयमाल डाल और ताउम्र के लिए रेशमी को स्वीकार करेंगे। हम लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सम्मिलन हो तो एक अद्भुत क्षण के साक्षी हम बनने का अवसर पाते हैं। हम ऐसे ही सुंदर प्रेममय स्नेहमय वातावरण में आपके शुभ सानिध्य में ये शुभ विवाह संपन्न होते देख रहे हैं। वरमाला के बाद सिंदूर दान की रस्म है लेकिन उससे पहले भी लोक परंपराओं लोक संस्कारों का निर्वहन करते हुए एक और चूहल एक और लोक भाव मैं अनुरोध एक बार फिर करूंगी श्रीमती शैल बालाजी से कि आप सिंदूर दान की बहुत ही सुंदर और प्यारी रस्म के पहले एक सिंदूर दान से संबंधित लोकगीत प्रस्तुत करें।